सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार। आपका बेहद ही स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डनिंग दिल्ली में। और आज मैं आपको अनार के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगा, जो कि हमारे पौधों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होता है और इससे बहुत ही पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। और दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको थोड़े भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और इसको आप अपने सभी प्लांट में डाल सकते हैं। ज़्यादातर हम अनार खाकर अनार के छिलके फेंक देते हैं, पर लोगों को पता नहीं होता है ये अनार के छिलके पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए वो लोग इनको फेंक देते हैं। तो आज मैं इस छिलके की आपको यूजेस बताऊँगा। वैसे तो दोस्तों, ये अनार के छिलके बीमारियों में भी, बहुत सी बीमारियों में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो दोस्तों, अनार के मैंने दाने तो अलग कर लिए हैं, अब ये बचे हैं उसके छिलके। ये एक अनार का छिलका बचा है मेरे पास, देखिए। और अब हम इससे फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इन छिलकों से फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगा कि कैसे इससे फर्टिलाइज़र बनाते हैं। दोस्तों, हमें अनार के छिलके को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इनको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और अब हम एक मग्गे में या फिर किसी भी बर्तन में पानी ले लेंगे, आधा मग या आधा लीटर पानी ले लेंगे और इसमें हम अनार के छिलकों को डाल देंगे। इसको डालने के बाद हमें लगभग एक मिनट तक इसे अच्छे से हिलाना है, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और इसके पोषक तत्व अच्छे से इसमें घुल सकें। ये देखिए, ऐसे हमें इसे हिला लेना है अच्छे से। अब हमें इसे एक दिन के लिए धूप में छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि इसका रंग पानी के अंदर आ जाएगा और इसके सारे पोषक तत्व भी पानी के अंदर आ जाएंगे और फिर ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा पौधों में डालने के लिए। और आप इसका छिड़काव भी पौधों पे कर सकते हैं और इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को। मिट्टी में इसके पोषक तत्व जब जाएंगे तो पौधे आपके बहुत तेज़ी से घने होंगे। और अगर आप इसे फ्लावर पॉट में डालेंगे तो जिस फ्लावर पॉट में डालेंगे, अगर उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे फूल आने लग जाएंगे। और अगर फ्रूट के प्लांट में आप डालते हैं तो उसमें फ्रूटिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि कई फ्रूट के प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्रूटिंग जल्दी होती नहीं है, तो फर्टिलाइज़र डालने से बहुत जल्दी वो फ्रूटिंग करने लग जाता है। सो दोस्तों, अब देखिए 24 घंटे हो चुके हैं, यानी कि एक दिन हो चुके हैं और पानी में अच्छे से ही इसका कलर और पोषक तत्व आ चुका है। अब हम इसे एक बार हिलाएंगे और उसके बाद इसके सारे छिलके इसमें से निकाल लेंगे बाहर। मैंने इसके ज़्यादातर छिलके देखिए बाहर गिरा दिए हैं। अब मैं इस पानी को, फर्टिलाइज़र को, अपने इस गिलास में डालूँगा। इसको थोड़ा थोड़ा करके सभी प्लांट में अप्लाई करना है। अब आप इसको किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। अगर वो आपका फ्लावर का प्लांट है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसमें डाल सकते हैं, उससे उसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। और अगर वो फ्रूट का प्लांट है, उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है और आप उसमें डालते हैं तो बहुत ही जल्द उसको पोषक तत्व मिलेंगे और उससे फ्रूटिंग उसकी चालू हो जाएगी। तो चलिए, अब इसे हम अपने प्लांट में अप्लाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा सभी प्लांट में अप्लाई कर दें। आप हर एक 10 दिन में इसको प्लांट में अप्लाई करें और उसके बाद आप देखेंगे कि प्लांट में अलग सी ही चमक नजर आएगी। और आपके प्लांट बहुत ही हरे भरे और घने दिखने लग जाएंगे। और फ्लावर के प्लांट में फ्लावरिंग होने लग जाएगी, फ्रूट के प्लांट में फ्रूटिंग होने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो मोर वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।